अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है आर्म्स एंड द मैन। टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं कि इस ड्रामा को किसने लिखा। तो दिस drama was written by George Bernard Shaw in 1894 और first time ये produced हुआ in 1898। ये किस किस्म का drama है? This is an anti-romantic comedy and humorous play है ये। It was first commercial success। ये George Bernard Shaw की ये पहली commercial जो है success थी। उसके बाद हम देखते हैं G.B. Shaw, a greatest English speaking dramatist after Shakespeare। G.B. Shaw को यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को शेक्सपियर के बाद एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट कहा जाता है, यानी एक ग्रेटेस्ट बल्कि कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये कहां पे पैदा हुआ। He was born in Dublin in July 26, 1856। उसके बाद he became the music critic for a newspaper and took a position of the drama critic। इसने जो है ड्रामा क्रिटिक ने पोजीशन ली एट द सैटरडे रिव्यू, एक न्यूज़पेपर था वहां पर इसने जो है एज अ ड्रामा क्रिटिक के जो है तौर पे पोजीशन हासिल की। आगे हम देखते हैं ऑन एन एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट स्क्रीन प्ले इन 1938 फॉर फैकमिलियन मूवी। इसने फैकमिलियन, ये भी इसका एक प्ले है, इस पे स्क्रीन प्ले हुआ और इसके बदले में इसको जो है एक अवार्ड दिया गया। आगे हम चलते हैं। He criticized to World War I। इसने वर्ल्ड वॉर वन जो हुई उसको क्रिटिसाइज किया एंड गॉट अ प्राइज फॉर लिटरेचर, और इस वजह से इसको प्राइज ऑफ लिटरेचर दिया गया। आगे हम देखते हैं He is famous because he wrote many plays। इसके जो बहुत फेमस प्लेज हैं उनमें से कुछ मैंने यहाँ पे जो है वो मेंशन कर दिए हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आर्म्स एंड द मैन, उसके बाद है सेंट जॉन, उसके बाद आता है हमारे पास मैन एंड सुपरमैन एंड कैंडिडा, और उसके बाद पैगमिलियन। ये इसके जो है कुछ मैंने मशहूर जो प्लेस हैं उनके मैंने नेम जो है वो मेंशन कर दिए हैं ताकि आपको जो है वो राइटर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो मालूम होना चाहिए, उसके कोई बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए। अब हम चलते हैं कि जीवी शॉ के जो थीम्स क्या थे। उनके थीम्स में हम सबसे पहले देखते हैं कि उसके थीम्स में रोमांटिसिज्म ऑफ वॉर, रोमांटिसिज्म ऑफ लव, क्लास डिस्क्रिमिनेशन, आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म, ये इसमें जो है इसके थीम्स थे। अब हम देखते हैं कि जो उसने आर्म्स एंड द मैन के अंदर उसके जो थीम्स उसने, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ही इज अ प्रोपेगेंडिस्ट प्लेराइट। ही प्रोपेगेटेड हिज इकोनोक्लास्टिक आइडियाज इन हिज प्लेस। वी फाइंड अ नंबर ऑफ थीम्स जैसे टाइम एंड एज इन द विटी प्ले आर्म्स एंड द मैन। अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग वी कैन से वी फाइंड द फॉलोइंग थीम्स, हमें इसके अंदर ये वाले थीम्स भी मिलते हैं। नंबर वन, इग्नोरेंस वर्सेस नॉलेज, या आप कह सकते हैं रियलिज्म वर्सेस रोमांटिसिज्म। नंबर टू, द रियलिटीज ऑफ वॉर और होलोनेस ऑफ हीरोइज्म इन वॉर। नंबर थ्री, द रियलिटीज ऑफ लव और देयर इज नो हायर लव, ऑल लव आर वेरिटेबल लव। इसी तरह हम देखते हैं नंबर फोर, इनकॉम्पिटेंट authority। number 5, class consciousness and pretensions attached to it। number 6, mockery of ideas of bravery and heroism। number 7, personal honesty। अब हम बात करते हैं romanticism of war। हम देखते हैं characterizes the romantic notions about war। he wants to put realistic about war to the audience and readers। actually वो start करता है war के ऊपर। हमने शुरू में भी introduction में भी पढ़ा कि उसने war को importance नहीं दी,
राइटिंग के थ्रू उसकी रियल पिक्चर दिखाना चाहता था। नेक्स्ट उसका जो थीम है इस प्ले के अंदर वो क्या है, रोमांटिसिज्म ऑफ लव। उसने ही स्टराइज द रोमांटिक नोशंस अबाउट लव। उसने जो प्यार जो प्ले के अंदर प्यार को दिखाया है, लव को जो उसने प्रेजेंट किया है उसके ऊपर भी स्टार किया है। तो वो दिखाना चाहता है रियलिटी में इसकी पिक्चर दिखाना चाहता है। वो क्या है, इन दिस प्ले लव इज बेस्ड ऑन आउटवर्ड अपीयरेंसेस। वो कहता है कि जो लोगों का जो प्यार था ना वो इंटरनली किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं था बल्कि उसकी जो आउटवर्ड जो उसकी अपीयरेंस थी उससे लोग जो है वो प्यार कर रहे थे, नॉट टू देयर ट्रू पर्सन। शॉ वॉन्ट्स टू पुट रियलिस्टिक व्यू अबाउट लव एंड मैरिज टू द ऑडियंस एंड रीडर्स। वो ट्रू पिक्चर देना चाहता था लव की, के जो मैरिज में और यानी इंसान की जो लव करते हैं उसमें पैशन होने चाहिए, वो किस तरह इसको जो है प्रेजेंट करते हैं उस टाइम की जो सोसाइटी थी उस सोसाइटी को वो डिपिक्ट करते हैं कि लोगों के यानी प्यार के बारे में क्या कॉन्सेप्ट थे या मैरिज के बारे में क्या कॉन्सेप्ट थे, उसकी वो उस टाइम की रियल पिक्चर जो है वो अपनी राइटिंग में इस प्ले के थ्रू जो है वो हमें देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट था, दैट वाज द क्लास डिस्क्रिमिनेशन। क्या है, सो बिलीव्स इन द इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल एंड ही अबहोर्ड क्लास डिस्क्रिमिनेशन। वो चाहता था कि तमाम लोग जो हैं वो इक्वल हो, उनके दरमियान में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, यानी क्लास का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रिच और पुअर वाली वो कॉन्सेप्ट जो थे या डिस्क्रिमिनेशन जो थी जो थॉट थे उनको वो लाइक नहीं। In this play, he uses class and breaks class. वो क्लासेस को भी दिखाते हैं, ब्रेक्स क्लास को भी दिखाते हैं। वो क्लासेस जो यानी अपर क्लास और लोअर क्लास को भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं उसका क्या पर्पस क्या था। He also tells us that any rank is not important than human's ability. वो कहते हैं कोई भी रैंक यानी अक्सर जैसे मॉडर्न आप एज में देखेंगे कि रैंक्स को यानी आपके ओहदों को आपके जो पोजीशंस होती हैं उनको प्रेफर किया जाता है ना कि इंसानों की जो एबिलिटी होती है उनको जो है प्रेफर किया जाए। तो वो इसके खिलाफ था और वो इस अपने प्ले के अंदर हमें जो है इसकी ट्रू पिक्चर जो है वो प्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारे पास है फोर्थ उसका जो थीम है, दैट इज आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म। आज भी दुनिया में हम देखते हैं कि लोग आइडियलिज्म के शिकार हैं, एक अजीब ही उन्होंने अपने जो है एक स्ट्रक्चर बना रखा होता है कि अपनी ही मर्जी का एक जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसको वो लाइक करते हैं। इन आप कह सकते हैं कि रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ख्वाबों की दुनिया में और रियलिटी में कुछ फर्क है बल्कि कुछ नहीं बहुत फर्क है। वो क्या है कि दिस प्ले आल्सो डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। ये भी एक इस कंफ्लिक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि हमने अक्सर देखते हैं ना कि रियलिटी में कुछ चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं, जब आइडियलिज्म की आप दुनिया में रहेंगे तो फिर आप क्या है वो रियलिटी से बहुत दूर चले जाते हैं। ये उसने जो है अपनी राइटिंग में हम देखते हैं कि लेट यानी एंड ऑफ द 19th सेंचुरी पे उसने ये प्ले राइट किया, लेकिन आज 21st सेंचुरी के अंदर भी इसको जो है अपनी के अंदर मौजूद पाते हैं। उसके बाद शो डिड नॉट गिव मच इंपॉर्टेंस टू द वॉर। उसने वही जो अबाउट देयर एक्टिविटीज इस प्ले में वो एंड पे हमें शो करता है कि जो उसके